नमस्कार, मैं रितेश, द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पिछले बुलेटिन में दिखाया था कि जो बाहर से लोग यहाँ आते हैं पैसे कमाने के लिए, खासकर जो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बिजनेस करते हैं और वो भी आयुर्वेदिक के बाद, तो हमारी टीम ने आज फिर से उनके उस जगह पर दौरा किया जहाँ उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ। जब हमारी टीम वहाँ पहुंची, उनका टेंट वहाँ से हट चुका। तो आप खुद सोचिए, जिन जो कैंप रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड नहीं है, जिनके पास सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, ऐसे लोग क्या हमारे ट्रीटमेंट करेंगे? ऐसे लोगों से हमें हमारे परिवार को दूर रहना चाहिए। अगर इनके इलाज से हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम इनको ढूंढकर उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये खुद सिर्फ हफ्ते भर के लिए यहाँ अपना कैंप लगाते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे अंधविश्वास में ना पड़े, किसी अच्छी सर्टिफाइड लाइसेंस्ड हॉस्पिटल या बड़े आयुर्वेदिक सेंटर में अपना इलाज करवाएं। तो आपने देखा कि हमारे एक कोशिश से जब ये अपना कैंप हटा सकते हैं, तो हमारे आइलैंड के निवासी जो चाहेंगे कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ बिजनेस सेटअप करते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं ऋतिकेश आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।